आसान कुन नाजीन इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। अगर नए देखने वाले व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बनाने लगे हैं आलू के कटलेट्स। तो आपको इसके इंग्रीडियंट्स बताती हूँ। आधा किलो आलू, 1/4 प्याली हरा धनिया, 2 से 3 अदद अंडे, 1/4 प्याली ब्रेड क्रम, 1 दरमियाने साइज की प्याज, 5 पुदीने के पत्ते। ये हमने चटनी बनाई है। इसमें हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा डाल के इन तीनों चीज़ों को पीस लिया है। 1 खाने के चम्मच चटनी ली है हमने। और फ्राइंग के लिए तेल, लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है ये सब चीज़ें। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक और लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग तेज़ खाते हैं और कुछ लोग कम, तो जैसे आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बॉयल आलू लिए हैं हमने। इसका हमने छिलका उतार लिए। सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे। ये देखें ये सब अच्छी तरह पिस गए हैं। आलूओं में अब हम तमाम सूखे मसाले डालेंगे जिसमें हमने लाल मिर्चें, गरम मसाला, धनिया, चाट मसाला पाउडर, नमक और हल्दी लिए थे। ये सब आलूओं में शामिल कर देंगे। यहाँ फिर मैं आपको कहती चलूँ कि आप नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना, ये जो हमने चटनी बनाई थी जो कि मैंने आपको शुरू में बताया है, ये 1 खाने का चम्मच डालेंगे। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह आलूओं में मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से कर लें या आप चम्मच की मदद से कर लें, लेकिन हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छे मिक्स होते हैं। ये देखें अब अच्छी तरह ये मसाला आलूओं में मिक्स हो चुका है। सबसे पहले हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इससे ये होता है कि आलू आपके हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपकते। और अब हम टिकिया बनाएंगे। ये देखें मैंने ये एक टिकिया बनाई है और मेरे हाथों पे देखें बिल्कुल हाथ मेरे साफ हैं, आलू नहीं चिपका मेरे हाथों पे। इसी तरह आप सारे कबाब बना लें। कबाब बनाने के बाद यहाँ पर हमने तवे पर तेल डाला है। तेल थोड़ा डालिएगा क्योंकि जब हम ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो ब्रेड क्रम कबाब पे से थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जब लगे होते हैं तो वो उतर जाते हैं, जिसकी वजह से तेल जला हुआ महसूस होता है, जो कि आपको आगे दिखाएंगे भी हम। अब ये 2 अंडे मैंने फेंक के रखे थे। अब कबाब को पहले आप अंडे में डिप करें और इसके बाद कबाब को अंडे में डिप करें और इसके बाद ब्रेड क्रम्स पे लगाएं। और ये हमने तेल जो गरम किया हुआ था पहले से ही, इसके अंदर अब कबाब डालेंगे। इसी तरह हम तमाम
आलू के कटलेट्स के अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी ऐसे ही गोल्डन कलर ले आएंगे। ये कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब का चूरा जो है जल जाता है तवे पे, ये देखिए मैंने आपको कहा था दिखाएंगे, ये ब्रेड क्रम्ब का चूरा जल गया है, तो इसको आप चम्मच की मदद से साइड पे करते जाइएगा। ये तमाम कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ये कबाब गोल्डन होते जा रहे हैं, इनको हम तवे की साइड पे रखते जा रहे हैं ताकि जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल है वो कबाबों में से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये आप बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बच्चों को ब्रेड में रख के सैंडविच बना के भी दे सकते हैं और आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको। ये हमारे आलू के कटलेट्स तैयार हैं, इन्हें आप चिली केचप या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे और ये वाकई बहुत मज़े के बनते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर जल्द किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।